Hey guys, welcome back to the video. You're watching Danu Hamu. So guess what? The method that I showed you, it works perfectly. And we have played PUBG without any VPN. Yes. So please make sure to watch the previous video that I showed you. It's only 3 minutes long. It won't gonna take your time. Few steps. It's a simple video. And in this video, I will showcase that the proof that I'm still playing PUBG and without any VPN. Yes. And it's perfectly working fine. So guys, देखिए हमारा इस गेम पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए सही है. हम यहाँ पर यू सी खरीदते हैं, इस गेम के अंदर करेक्टर वॉचर खरीदते हैं, हम इसके अंदर करेक्टर खरीदते हैं, एंडी सारा बहुत कुछ हमने इस पर खरीदा हुआ है. और हम हर महीने रॉयल पास भी खरीदते हैं, ठीक है ना, जो हर उसका सीजन आता है. तो ये गेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब इसके ऊपर VPN लगाकर अपना अकाउंट बैन मत होने दें. ऑलमोस्ट 10 years के लिए बैन हो सकता है. बिल्कुल कतई ऐसा ना करिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो जो मैंने बनाई थी अपने दोस्त के साथ खेलते हुए. विदाउट फर्दर लेट गेट स्टार्टेड. एंड वन मोर थिंग, अनबैन पबजी हैशटैग अनबैन करें, ठीक है. और सपोर्ट वकार सर का, क्योंकि वो आज के दिन सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं ये इसी पबजी के सिलसिले में अनबैन करने के लिए, ठीक है. आई मीन हाँ बिल्कुल, ई स्पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक मायने रखता है. बिल्कुल सही है. सो लेट्स बिगिन. यस. So guys, this is my friend Bladeon and we are about to start the game, and he called me and invited me to play this game. I was about to sleep. मैं सोने वाला था, रात का टाइम था और मैंने गेम खेली इसके साथ और गेम चल गई. Oh wow, it's working. I have to share this on this game. Yes, I can play now. देख लो नहीं, विदाउट VPN. All right guys, जैसे कि आप देख सकते हैं विदाउट एनी VPN ये गेम चल रही है. और मैं जिस टाइम गेम खेल रहा था तो देखिए टाइम रात के 2 बजे, तो हमजा भाई लाइव भी गए थे अपनी फेसबुक अकाउंट के ऊपर. उन्होंने शोकेस किया था मेरी मोबाइल को, गेम खेल रहा था. तो आप वो भी वीडियो जाके देखिएगा. ये गेम चल रही है और मैं जिस टाइम गेम खेल रहा था तो देखिए टाइम रात के 2 बजे, तो हमजा भाई लाइव भी गए थे अपनी फेसबुक अकाउंट के ऊपर. उन्होंने शोकेस किया था मेरी मोबाइल को, कि मैं गेम खेल रहा था. तो आप वो भी वीडियो जाके देखिएगा. तो देखिए टाइम रात के 2 बजे, तो हमजा भाई लाइव भी गए थे अपनी फेसबुक अकाउंट के ऊपर. उन्होंने शोकेस किया था मेरी मोबाइल को, कि मैं गेम खेल रहा था. तो आप वो भी वीडियो जाके देखिएगा. वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपनी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी माइक का ऑप्शन मेरे फ्रेंड के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है ना. तो यानी कि मेरी भी बातचीत हो रही थी उनके साथ और मैं भी बात कर रहा था, वो मेरे से बात कर रहे थे. तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब स्क्रीन रिकॉर्ड होती है तो वो माइक्रोफोन ले लेती है, ठीक है ना, ताकि उसमें आवाज़ आए ना, कि ना इसके अंदर आवाज़ करें बात करें. तो ये सिचुएशन होती है. लेकिन अगर मैं माइक लगाकर खेलूं तो इस तरह आपको ड्रिंक की आवाज़ भी आएगी और मेरे बोलने की आवाज़ भी आएगी. लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि मैं जो गेम के अंदर मेरे से कोई बात कर रहा होगा वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन पाएंगे लेकिन मैं उनकी नहीं सुन पाऊँगा. फिर तो इट्स अ मिस्ट्री. तो अब हम नो वन कैन अंडरस्टैंड, ओनली दानी भाई. सो जैसे कि आप देख सकते हैं गेम बिल्कुल चल रही है. बिल्कुल. और हमारे दानिल भाई के बिल्कुल उसी मेथड की वजह से चल रही है जो कि मैंने हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया जैसे कि. बिल्कुल. तो आप वो ज़रूर देखें वीडियो जाके, ठीक है, और वो अप्लाई करें अपनी फ़ोन के ऊपर सेटिंग के ऊपर. रीजन चेंज करना है और फिर गेम स्टार्ट, मोबाइल रीस्टार्ट करके आपने गेम ओपन कर दिया. बिल्कुल. और जिन लोगों की एक और बात है, जिन लोगों की सिम जोंग है, जो लोग अपने सॉन्ग के पैकेज से गेम खेलते हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से बहुत चल जाएगी ये गेम. बिल्कुल. उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी. तो आपके पास एक दो स्टेप आपने करने हैं. पहला स्टेप तो ये है कि अपना मोबाइल का रीजन चेंज करके मोबाइल रीस्टार्ट करना है, और अपना नेटवर्क जो है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, वो अपने सॉन्ग पे कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है. जैसे कि आप PTCL यूज़ करें तो वो छोड़ के आप सॉन्ग पैकेज लगवा लें मोबाइल के अंदर और आपकी गेम चल जाएगी. हाँ, क्योंकि बैन हुई भी है. और VPN यूज़ करने का तो फ़ायदा नहीं होता यार दानियल, VPN से तो आइडियाँ बैन हो रही हैं, वो भी 10 साल के लिए. तो एक ये भी एक मसला है. बिल्कुल. असल में हम यार
कैसे अपनी वाईडी बैन होने दे सकते हैं, इसके अंदर हमारे दोस्त होते हैं। अब हम दोबारा से तो ये है नहीं ना कि इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट हैक हो गया तो हमने दोबारा बना लिया, तो चलो दोस्त ही मिल गए। इसमें हमारी इनकम अमाउंट लगी हुई है एक अच्छी खासी यूसी के ऊपर, रॉयल पास के ऊपर हम, तो इसलिए इस वजह से हम वीपीएन यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट हम टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ नहीं करता पबजी। ये मेरा दोस्त जो था छुपा हुआ था मुझे बुला रहा था, क्या मैं कहाँ पर हूँ, तो इस वजह से वीपीएन यूज़ करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। चल जाती है लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठीक नहीं है, बैन हो जाएगी, बैन हो जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती वीपीएन के ऊपर। खैर एनी हाउ फोन मेरी बैटरी आप देखते जाए अभी मेरी 16% है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मैं हॉटस्पॉट भी मैंने फोन का खोला हुआ है, तो अब देख लिए आप क्या सिचुएशन। मैं उस वक्त लाइव आया हुआ था दानिश भाई के हॉटस्पॉट से, जब भाई लाइव आए थे तो मुझे अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट खोलना पड़ा, तो अब मैं भाग रहा हूँ जोन के पास कहीं घरों में। अब हम यहाँ जाएंगे यसनाया है ना, अब हम यसनाया जा रहे हैं। बहरहाल ये लोग जो थे मेरा भाई और प्लेराउंड जो मेरा दोस्त है ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें कर रहे थे, अफसोस मैं सुना नहीं पाया और अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वो उनकी बातें सुनते तो आपको ये गेम देखने में और भी मज़ा आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोई ना कोई इस तरह का लाइफ हैक करूँगा, जिससे आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे और आपको गेम की आवाज़ भी सुनाई दे। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो वकार सका है वो क्या चाहता है हमजा भाई, अगर आप मुझे बताइए। वो ई स्पोर्ट जो है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग और कंप्यूटर की जो दीगर ऑनलाइन गेम्स हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है वकार जो, और जो उनकी क्रिप्टो करेंसी जो फंसी हुई उनका जो मुद्दा है वो भी वो आम करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक फंसे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर आम करना चाहते हैं। हाँ तो वो बिल्कुल इस ये जो बैन हुई है ना पबजी वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो खेलते नहीं हैं बेशक लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा कि यार बैन हुई है। और एक वो एक बात बता रहे थे कि एक गुलशन रावी का लड़का ई स्पोर्ट्स की वजह से ये शिकागो चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है और फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल पेरेंट्स को लगता था कि स्पोर्ट्स में जो ई स्पोर्ट्स है उसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, गेमिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। बिजली का बिल, वो बिजली के बिल के अलावा और कुछ बढ़ता नहीं है, लेकिन ये एक टैलेंट है, एक वो है क्या कह सकते हैं स्किल्स है जो कि बढ़ती हैं और हम दिखा सकते हैं कि बाकी इंटरनेशनल लेवल पे ये बिल्कुल काम आता है, बिल्कुल फ्यूचर है और काम आता है हमारी जो स्किल है। और तो आज वकार जगह जो है वो वहाँ जाने वाले हैं जी, केस हो गया अब तो टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, दिन गुजर गए, तो जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो वो वहाँ पर जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था कि ये हमने स्क्रिप्ट तैयार की है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके हमने ये रिक्वेस्ट शेयर करनी पोस्ट करनी है कि पबजी को अनबैन किया जाए जी, तो वो आप मुझे बताइएगा कि आपने वो किया है या नहीं, क्योंकि वकार जगह यही कह रहा है कि हम लीगली तौर पे हम फाइट कर सकते हैं इसके ऊपर, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं कि इसको अनबैन की करें हम करवाएं। मैंने आज पता है इंस्टाग्राम के ऊपर एक तस्वीर देखी कि पीटीए की जो वेबसाइट थी उसको भी हैक कर दिया गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस बताइएगा जी, और जो भी सिचुएशन आपको लगती है कि अब क्या होना चाहिए। लेकिन यार एक बात तो है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ टाइम के लिए पबजी बैन हो गई है तो हम कॉल ऑफ ड्यूटी भी तो खेल सकते हैं ना, लेकिन पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी में बहुत फर्क है, लेकिन कि जो वो जो टीम क्या कहते हैं पावर्ड टेंशन है गेमिंग जो है। अच्छा यहाँ पर मैं अभी पूरा स्क्वाड अपने अच्छा स्क्वाड है बिल्कुल सामने, बिल्कुल मैं छुपा हुआ था ठीक है, और प्लेयर और मेरे भाई जो है वो नॉकडाउन हो जाएंगे, उनको पिक जे को भी प्लेयर आउट जा रहा है वहाँ पर आउट ऑफ नॉकआउट हो गए, और ये देखें ये ऊपर आया सच में, ये आउट किया प्लेयर को और अब मैंने इसको नॉकआउट किया, दूसरा आउट किया है, मैं लेट जाऊँगा
और अब मैं इसके ऊपर फायरिंग करके इसको हरा दूंगा, ये चीज। और इस तरह मैंने अमेजिंग ये तीनों घूम रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे रिवाइव करो, वो कहता है मुझे रिवाइव करो। वो देखिए माइक के अंदर वो चिल्लाता है, आपको नजर आएगा कि मुझे रिवाइव करो, मुझे रिवाइव करो। मैंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, समझ इतना फनी है, बहुत नोब नोब है सारे। रिवाइव हो गए और अब मुझे कहते मुझे रिवाइव ना करो, मुझे रिवाइव ना करो, नहीं करना पल्ला। ये लोग ना बहरहाल बहुत मज़ा आता। मेरे पास 8x स्कोप भी था, SLR थी, अभी मुझे SLR भी मिलेगी। बहुत ही अच्छा है ये गेम प्ले, बल्कि मुझे बहुत ही मज़ा आया कि देखो मुझे 8x स्कोप मिल गया यहाँ से, बढ़िया। मुझे बेसिकली मुझे यार SKS इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसमें फौरन से गोलियाँ मार सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं कार 98 पकड़ूं, एक गोली चलाऊं, फिर वो रिलोड करे, ये चीज मुझे नहीं पसंद। मुझे भी मिनी 14 बहुत अच्छी लगती है, वो ऑटोमेटिक स्नाइपर्स होती हैं और उनको रिलोड करने में टाइम नहीं लगता है, आसानी से हम शूट कर देते हैं एज अ लॉन्ग रेंज पर। बिल्कुल, इसलिए SLR भी मुझे पसंद है। लेकिन लोग कोई तो ये SKS और SLR इतनी अंडररेटेड स्नाइपर्स है ना कि इनको कोई लोग ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। AWM की बात कुछ और है, वो तो बहुत ही ताकतवर गन है। अच्छा, स्नाइपर है, सॉरी। और मुझे M24 भी अच्छी लगती है, और AWM भी इतनी आला है ना, जब वो निकलती है गोली आराम से इतना मजा आता है उसकी आवाज सुनने में। सप्रेसर लगा हुआ उसके ऊपर और M24 हम चला रहे हो, क्या मजा। और बात रही कॉल ऑफ ड्यूटी की, वो बहुत ही एक कार्टून टाइप है, इंटेंस ग्राफिक्स है उसकी, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन यार ये उससे ज्यादा कार्टून टाइप है, ठीक है। और दूसरी चीज ये मुझे जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है इस बारे में, कि इसके अंदर ज्यादातर खुला खुला एरिया है, वाइड रेंज है, आराम से देख पाते हैं। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर सिचुएशन बहुत भरा पड़ा, उस पे मैप बिल्कुल भरा पड़ा है और इतना ज्यादा उसमें सामान वगैरह रखा हुआ है कि हमें गेम खेलने में समझ नहीं आता कि बंदा भाग रहा है। लेकिन उसके अंदर फीचर्स काफी अच्छे हैं जो मुझे अच्छा लगा, जैसे फीचर्स लेकर आए हैं। बिल्कुल, जब हम टॉप 10 में आ जाते हैं, थोड़े से बंदे बचते हैं तो टैंक भी हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत टफ हो जाती है। वो जो उसकी गोली गाड़ी है जिसके अंदर हम ऊपर खड़े होकर गोली चलाते हैं अनलिमिटेड, वो गाड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मशीन गन। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत आला है। और उसकी जो मोटरसाइकिल है गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, उसकी क्या स्पीड है, और उसमें ब्रेक जो लगती है इतनी स्पीड में कुछ कहने लग गए, वो भी मुझे बड़ी आला लगती है मोटरसाइकिल कॉल ऑफ ड्यूटी की। और जो उसके अंदर मैप है, प्रॉप वाला मैप है कि हम प्रॉप बन जाते हैं और जो दूसरी टीम होगी वो प्रॉप को ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई करके गोली मारनी है। बेसिकली प्रॉप जो होंगे, यानी कोई भी आइटम, जैसे कि आपको ये टेबल दिख रही है, सोफा दिख रहा है, और कुछ भी ले लें, घास हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़, हम प्लेयर खुद बन जाएंगे और हम रोब्लॉक्स की तरह। बिल्कुल, वो मुझे गेम इतनी आला लगती है ना, वो वाला मैप कॉल ऑफ ड्यूटी का कुछ कहने लगी नहीं, वो मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। और दूसरा मैप जो हम बेस कवर करने वाला, डोमिनेशन की तरह, वो भी बड़ा आला है। उसके अंदर आपने देखा ना, वो बड़ा सा रोबोट आ जाता है, उसके अंदर हमारा प्लेयर घुस जाता है, वो बड़ी आला चीज लगती है मुझे। और ज्यादातर कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर जो मैं पर्सोना अपना बनाता हूँ, वो निंजा का बनाता हूँ। निंजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो छत है, वो हाथ से वो मारेगा बैटमैन की तरह और वो छत पे पहुंच जाएगा कहीं भी। गेम दोनों अच्छी हैं, PUBG अपनी जगह अच्छी है, कॉल ऑफ ड्यूटी अपनी जगह अच्छी है। बिल्कुल, फ्री फायर भी मैंने अपने नहीं पसंद। मैंने अल्बेनिया के जो मेरे दोस्त हैं, जैसे जो प्लेयर होने हैं नंबर वन लोनी, ये भी अल्बेनिया का ही है, मेरे और भी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, उनके कहने पर मैंने फ्री फायर डाउनलोड की थी, और मेरा जो सेफी कज़न है उसके कहने पर मैंने फ्री फायर डाउनलोड की थी। अच्छा, आपने हमने देखा इसका जो हेलमेट, अच्छा मैंने हेलमेट तोड़ दिया था हमसे, आपने देखा इसका, मैंने इसके सर पर मारा है, ठीक है, इसका हेलमेट टूट गया, लेकिन जो उसने कैप पहनी हुई थी वो फिर दिखने लगी। एट दैट टाइम जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे समझ नहीं आई थी कि यार ये हुआ क्या, लेकिन अब मुझे पता चला। हाँ, वो हेलमेट पे लगती है, यानी हेलमेट टूटता भी है। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है, हेडशॉट है ना। ये देखो गुंडा भाग रहा है, या ये बॉट था, गुंडा था, मुझे नहीं पता क्या लगता है। ये मुझे बंदा लग रहा है, क्योंकि लेवल 3 का जिसने हेलमेट पहना था, और नाम इसका, इसकी लूट चेक करते हैं अभी, शायद मैं लूट की करूंगा या नहीं। अभी ये लोग एक दूसरे पे बॉम्ब फेंके जा रहे थे, शायद अभी फेंकने लगेंगे। बहरहाल आप देखते जाइए इनकी शैतानियां।
ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और ये मेथड आपने दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने मोबाइल का रीजन चेंज करना है, पाकिस्तान से हटा देना है। मैंने अपना रीजन तो किया हुआ है सऊदी अरेबिया के ऊपर, और जो है मेरा जो नेटवर्क है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो है ज़ोम 4G। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन हैं जो मैंने इस्तेमाल करके मैं अपनी गेम खेल पा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इस टाइम ये लोग बहुत मस्ती में लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को बॉम्ब से उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत दिल था कि मैं आपको इनकी बातें सुना था ताकि आपको भी बहुत मज़ा आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं कोई ना कोई लाइव हैक अपना इस्तेमाल कर सके आपको ये मसला भी सॉल्व करवा दूँ। अभी गेम की ऑडियो भी नहीं है सिवाय मेरी आवाज़ के। इस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन के अंदर 2% बैटरी थी, और रात का टाइम था और बिजली भी गई हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिचुएशन हो सकती है। मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म और ये गेम चलते चलते स्क्रीन रिकॉर्ड होते होते फ़ोन मेरा ऑफ हो गया था। अभी आपको थोड़ी देर तक नोटिफिकेशन भी आएगा। ये देखिए इन्होंने क्या बादल बना के रखी है पूरे रोड पे। बहरहाल अभी हम नंबर 3 को उड़ाने की सोच रहे थे। हम अगर मेरा फ़ोन ऑफ ना होता ना, तो मैंने नंबर 3 था कोई तुर्की का, उसको तो हमने नॉकआउट करके उसकी सारी लूट ले ली थी। बहरहाल बहुत मज़ा करते हैं हम गाइस, अगर आपको मज़ा आए ये गेम प्ले देख कर तो हमें कमेंट्स में बताइए। ये देखें इन दोनों ने एक दूसरे को, मेरे भाई ने और ब्लेरो ने एक दूसरे को नॉकआउट करके उड़ा दिया, और अब देखें मुझे कह रहे हैं रिवाइव करो। अब वो कह रहा है मुझे रिवाइव करो, वो कह रहा है मुझे रिवाइव करो। मैंने बोला भाई जो पहले आएगा मैं उसको रिवाइव कर दूंगा। एनी हाउ, ये वीडियो अगर गाइस आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने मोबाइल का नाम लिखें अगर आपको मोबाइल में रीजन शो नहीं हो रहा। फिर मैं ट्राई करूँगा कि रीजन फाइंड करने की कोशिश कर दूँ। वैसे गाइस अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि सैमसंग की डिवाइस के अंदर रीजन किस तरह चेंज होता है। ठीक है, मुझे ओप्पो का पता है, स्टॉक एंड्रॉयड जैसे कि नोकिया के फ़ोन हो गए मुझे उनका पता है, और मुझे इन्फिनिक्स वाले मोबाइल का भी नहीं पता कि वहाँ से रीजन कैसे चेंज करते हैं, नो आइडिया। बहरहाल कलर ओएस 7 के अंदर आराम से रीजन चेंज हो जाता है, और मुझे सैमसंग का नहीं पता। मेरे ख्याल से आईफोन में भी रीजन चेंज हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का गाइस आप इंतज़ार कीजिएगा, मुझे इस वीडियो के ऊपर लाजमी लाइक चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देखे मुझे लाइक कीजिए, और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह, हमारे साथ रुकने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन मुझे कब आता है। मैंने अब हम जोन की तरफ भागने लगे। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है कि देखिए 2% नोटिफिकेशन आ गया है, अब थोड़ी सी और आगे जाने के बाद मेरा फ़ोन टर्न ऑफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनी हाउ मुझे बहुत ही मज़ा आया गेम खेलने का, और मोबाइल ने भी बहुत अच्छा सा साथ दिया। मेरी जो ये वीडियो फाइल थी वो करप्ट भी नहीं हुई, और आराम से फ़ोन ऑफ भी हो जाता है, और मेरी ऑडियो भी ख़राब नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। सो अभी मैं इनको यही बता रहा था कि आप जैसे कि देख सकते हैं नंबर 2 जो मैं हूँ, मेरा माइक खुला हुआ, और मैं उनको कह रहा हूँ कि यार मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, मैं नहीं खेल पाऊँगा। तो वो जो मेरा दोस्त था ले रहा, वो कह रहा नहीं तुम इस तरह ना बोलो, चार्ज करो, प्लीज़ चार्ज करो फ़ोन को, मुझे नहीं पता कुछ ना कुछ करो। मैंने बोला यार मेरा पावर बैंक भी अभी चार्ज नहीं है, उसमें भी चार्ज नहीं है, लाइट गई भी, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस वो रो रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था रोने की, और मेरे बड़े भाई हंस रहे थे यार ये क्या तुमने इसको अपने जैसा बना दिया। लेकिन असल में बात ये है कि मैं भी और वो भी, हम दोनों के जो माइंड है ना वो एक जैसे ही है, जैसे मिलते हैं एक तरीके से। वो भी बहुत फ़नी हरकतें करता है और मैं भी बहुत फ़नी हरकतें करता हूँ। जब मैं अपना माइक का
ये जो प्रॉब्लम है ये सही कर दूंगा, तो मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा जो हम बातें करते हैं और जो हंसी मजाक हमारा चलता है, शुगल मेला बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस आप अपने कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है इस सिचुएशन के बारे में और आप कितना जल्दी चाहते हैं कि ये बैन जो है ख़त्म हो जाए पबजी में से। लेकिन मैं यही बोलूँगा जब तक बैन चल रहा है तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर आ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं